ऐसे कि इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली से अपना फेसबुक ऐप ओपन कर लूंगा। तो फेसबुक ऐप ओपन करने के बाद दोस्तों ये जो आईडी आप लोगों को दिख रहा है ये वाला आईडी दोस्तों हैक्ड हो चुका है। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि हैक तो नहीं हुआ है, मैं खुद से ही हैक किया हूँ दूसरे फोन से। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते है कि यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के लॉग इन करने का ट्राई करते है। तो जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉग इन करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि मैंने यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डाल के लॉग इन करने का ट्राई किया है। तो अभी जब अपना पासवर्ड डालते हैं तो आपको भी कुछ इस टाइप से दिखाया जाता है कि यू इंटरेड एन ओल्डर पासवर्ड, क्योंकि दोस्तों न्यू पासवर्ड तो हैकर ने बना लिया है और आपके पास ओल्ड पासवर्ड है जिससे लॉगिन नहीं हो रहा। तो इस केस में क्या करते हैं कि आप सब अपना पासवर्ड को फॉरगेट पासवर्ड करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, इस पे मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे में दोस्तों मुझे यहाँ पे अपना फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल के सर्च करने के लिए बोला गया है। तो मेरा वाला आईडी ईमेल से बना हुआ है तो मैं यहाँ पे सर्च बाय ईमेल पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे सिंपली से मैं ईमेल आईडी डाल दूंगा। तो ईमेल आईडी डाल के जैसे मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आईडी दिखाया गया है। तो अभी क्या करना होता है कि फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए कोड मिलता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि सीन कोड विया ईमेल। तो भाई लोग यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिखाया गया है ये वाला ईमेल आईडी दोस्तों हैकर का है। तो हो सकता है कि आपके फेसबुक आईडी पे आपका ईमेल आईडी हटा के हैकर ने खुद का ईमेल आईडी ऐड कर दिया है, तो वो वाला ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यदि आप यहाँ पे टिक मार्क लगा के यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो ऐसे में हैकर के पास कोड चला जाएगा, क्योंकि आपके आईडी पे जो अभी ईमेल आईडी ऐड है वो वाला ईमेल आईडी आपके पास नहीं है, हैकर के पास है। तो फॉलो कोड के अलावा आप अपना फेसबुक आईडी का पासवर्ड फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है कि इंटर पासवर्ड टू लॉगिन, तो इस पे क्लिक करके यदि आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो ऐसे में आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा, जो कि आपको पता नहीं होगा क्योंकि हैकर ने आपका पासवर्ड चेंज कर दिया है। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का ट्राई करेंगे तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यू इंटरेड एन ओल्डर पासवर्ड। तो इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, मतलब किस तरीके से आप अपना फेसबुक आईडी को रिकवर कर सकते हैं वो आप अभी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो भाई लोग आपको यहाँ पे ना ही सीन कोड या ईमेल वाला ऑप्शन पे टिक मार्क लगाना है और ना ही आपको यहाँ पे पासवर्ड वाले ऑप्शन पे टिक मार्क लगाना है। दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि है नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दिस। तो इस वाले ऑप्शन पे सिंपली से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ऐसे में आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस दिखाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आई हैव लॉस्ट एक्सेस टू माय लॉगिन डिटेल्स। इसका मतलब दोस्तों कि मैं अपना लॉगिन डिटेल्स खो चुका हूँ। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाया गया है, तो इन तीन स्टेप को मुझे यहाँ पे करना है जिससे दोस्तों फेसबुक आईडी रिकवर हो जाएगा। तो इस केस में यदि आपको भी कुछ इस टाइप से दिखाया जाता है तो आपको यहाँ पे सिंपली से स्टार्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो आप जैसे ही स्टार्ट कर देंगे तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पे एक न्यू ईमेल आईडी डालने के लिए बोला जाएगा। तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि आपके पास जो ओल्ड ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे नहीं डालना है। इसके लिए जैसे मैं यहाँ पे प्ले स्टोर ऐप ओपन करके इस लोगो वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाया गया है इसी ईमेल आईडी से ही वो वाला फेसबुक आईडी बना हुआ था। तो भाई लोग आपको ओल्ड वाला ईमेल आईडी नहीं डालना है, आपको एक न्यू ईमेल आईडी बना लेना है। तो इसके लिए सिंपली से आपको यहाँ पे एड अनदर अकाउंट वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है और यहाँ पे गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है और यहाँ पे फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल के यहाँ पे नेक्स्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो डेमो ईमेल आईडी दिखाया जाएगा, तो इसमें से किसी एक ईमेल आईडी को आप चूज करिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इस वाले ईमेल आईडी को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना होगा, मतलब जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं अपना न्यू ईमेल आईडी का वो वाला पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा दिखाया जाएगा, तो आपको यहाँ पे नीचे आना है और यस आई एम इन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दिखाया जाएगा, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे नीचे आना है और आई एग्री वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो ऐसे में दोस्तों आपका न्यू ईमेल आईडी बन जाएगा और बन के आपके फोन में लॉगिन भी हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरा न्यू ईमेल आईडी लॉगिन हो रहा है, तो चलिए अभी आप सबको दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैक करता हूँ और यहाँ पे इस लोगो वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा न्यू ईमेल आईडी दिखाया गया है। तो ऐसे ही आपको एक न्यू ईमेल आईडी बना लेना है और इस वाले ईमेल आईडी को वहां पे डाल देना है। जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ पे उस पेज को ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे न्यू ईमेल आईडी डालने के लिए
लिए बोला गया है। तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया है। तो ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके सामने दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि कंफर्म इट्स यू, मतलब दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा कि आपका जो फेसबुक आईडी है वो आपका ही है। तो इसके लिए कंफर्म करने के लिए दोस्तों यहाँ पे टेक वीडियो सेल्फी का ऑप्शन दिया गया है और दूसरा यहाँ पे एंटर ओल्ड पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। तो फॉलो यदि आपको अपना ओल्ड पासवर्ड पता नहीं है तो इस केस में आप यहाँ पे अपना वीडियो सेल्फी के द्वारा भी अपना फेसबुक आईडी को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड पता है, तो इस केस में मैं यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड वाले ऑप्शन पे प्रेस कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि एंटर योर ओल्ड पासवर्ड। इसका मतलब दोस्तों मुझे यहाँ पे अभी अपना ओल्ड पासवर्ड डालना होगा। तो आप जैसे यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डाल के यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे तो ऐसे में आइडेंटिटी वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि नेक्स्ट प्लीज कंफर्म ये जो ईमेल आईडी मैंने न्यू डाले है एज योर न्यू ईमेल एड्रेस एंड रीसेट योर पासवर्ड आफ्टर दैट यू विल हैव एक्सेस टू फेसबुक। मतलब दोस्तों मैंने जो न्यू ईमेल आईडी अभी डाले थे उस वाले ईमेल आईडी पे मुझे एक मेल किया गया है फेसबुक के तरफ से। तो इसके लिए आपको अपना जीमेल ऐप सिंपली से ओपन करना है। तो इसके लिए प्ले स्टोर ऐप ओपन करके सबसे पहले आप जीमेल सर्च करके देख लीजिएगा कि जीमेल ऐप आपके फोन में अपडेट है या नहीं। यदि अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो मेल नहीं भी आ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जीमेल ऐप को अपडेट कर लिया है। तो अपडेट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जीमेल ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे उसी ईमेल आईडी से ही जीमेल ऐप को लॉगिन करना है जिस ईमेल आईडी को आपने न्यू बनाया है। जैसे कि इसके लिए जैसे ही आप यहाँ पे इस लोगो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ऐसे में आपको यहाँ पे न्यू वाला ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। तो न्यू वाले ईमेल आईडी पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। यदि आपको यहाँ पे मेल नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे रिसेंट ईमेल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से मेल ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे बार बार रिसेंट ईमेल वाला ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे 10 से 15 मिनट वेट करना है, उसके बाद दोस्तों आपको मेल मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों 10 मिनट के अंदर जैसे मैं यहाँ पे अपना जीमेल ऐप को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे फेसबुक टीम की तरफ से एक मेल किया गया है। तो चलिए अब यहाँ पे इसे ओपन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि फाइनल स्टेप टू गेट बैक ऑन फेसबुक, मतलब दोस्तों ये वाला स्टेप फाइनल है। जैसे कि यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है तो आपको भी कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली से रीसेट पासवर्ड वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों फाइनली यहाँ पे इंटर ए न्यू पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों अभी मैं यहाँ पे अपना एक न्यू पासवर्ड डाल के अपना फेसबुक आईडी को रिकवर कर सकता हूँ। तो आपको भी यहाँ पे कुछ इस टाइप से न्यू पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे अपना एक न्यू पासवर्ड डाल दीजिएगा, जो भी पासवर्ड आप अपना फेसबुक आईडी का रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे रिसेट वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो आप जैसे यहाँ पे रिसेट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देंगे तो ऐसे में आपके आईडी पे न्यू पासवर्ड बन जाएगा और पुराना वाला पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हैकर ने जो ईमेल आईडी आपके फेसबुक आईडी पे ऐड किया था वो वाला ईमेल आईडी भी रिमूव कर देगा। तो न्यू पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होता हुआ दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है, मतलब चेकिंग हो रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई लोग न्यू पासवर्ड बना लेने के बाद और भी दो काम आपको करना है, तो वो क्या करना है जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लोडिंग हो चुका है कंप्लीट, तो चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई लोग यहाँ पे बताया गया है कंटिन्यू, तो आपको यहाँ पे सिंपली से कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो आप जैसे यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे तो ऐसे में आपको न्यू वाला ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली से टिक मार्क लगा देना है, उसके बाद यहाँ पे फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। तो ऐसे में आपका न्यू वाला ईमेल आईडी आपके फेसबुक आईडी पे ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप और ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे और एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो ऐसे में दोस्तों आपके ईमेल आईडी पे कोड दिया जाएगा, तो वो वाला कोड आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे कंफर्म वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो ऐसे में आपका दूसरा वाला ईमेल आईडी भी आपके फेसबुक आईडी पे ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप दूसरा वाला ईमेल आईडी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इस केस में आप यहाँ पे सिंपली से बैक कर दीजिएगा।
उसके बाद आपका फेसबुक आईडी लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि आईडी यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, जो आईडी हैक हो चुका था वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे एक मेन काम करना है कि आपको यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फो वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि हैकर ने जो ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड किए थे वो वाला ईमेल आईडी अभी यहाँ पे ऐड है या नहीं। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ही ईमेल आईडी है, जैसे कि ये वाला ईमेल आईडी न्यू है, तो इस वाले ईमेल आईडी पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेक प्राइमरी वाले ऑप्शन पे प्रेस करके अपना न्यू ईमेल आईडी को प्राइमरी ईमेल आईडी बना देना है। जैसे कि यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है, मतलब मेरा न्यू वाला ईमेल आईडी प्राइमरी ईमेल आईडी बन चुका है। उसके बाद दोस्तों आप अपना फेसबुक ऐप के अंदर अपना न्यू वाला ईमेल आईडी और न्यू वाला पासवर्ड डाल के अपना आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मैंने यहाँ पे फेसबुक ऐप के अंदर इस वाले आईडी को लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा पेज लोडिंग लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपली से आप अपना फेसबुक ऐप को रिस्टार्ट करिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली यहाँ पे आईडी फेसबुक ऐप के अंदर लॉगिन हो चुका है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं।